कार्यवाही प्रतापगढ़ से प्रारंभ हुई, गोलियां छोटी सादड़ी में चली, गोलियां तस्करों के पैरों में लगी और छींटे उछले बाड़मेर की खाकी पर तो पूरे प्रदेश की खाकी बदनाम हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। प्रतापगढ़ पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली कि 3 तस्कर गाड़ी में सवार होकर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ लेकर बाड़मेर की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस और छोटी सादड़ी पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी तोड़कर तस्कर भागे और उसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो तस्करों ने पुलिस पर फायर कर दिए और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किए तो 2 लोगों के पैरों में गोलियां लगी। उसके बाद दोनों तस्कर घायल हो गए और दोनों तस्करों को जब पकड़ा गया तो उन्होंने साठ गांठ बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो तस्कर इस प्रकार की साठ गांठ बायतू के DSP जग्गू राम से बना चुके थे और उन्होंने फोन आगे करके कहा कि लो DSP साहब से बात कर लो और जो लेन देन करना है लेन देन करके मैं छोड़ दूं। और उसके बाद पुलिस ने उस फोन को बरामद किया और उससे कई ऐसे साक्ष्य जुटाए और उसके बाद विजिलेंस के ADG बिजू जॉर्ज ने आदेश जारी करते हुए जग्गू राम और एक कॉन्स्टेबल नैनू राम को निलंबित कर दिया। और जैसे ही वो आदेश आया तो पूरे प्रदेश की जो खाकी थी वो एक बार दागदार हो गई, क्योंकि लगातार ये सुनने में आता है कि तस्करों और पुलिस का आपस में 36 का आंकड़ा होता है। पुलिस लगातार तस्करों का पीछा करती है, उन्हें पकड़ती है, पर यहाँ पर जो गठजोड़ और सांठगांठ नजर आई है और उसके बाद जब पुलिस ने जो मोबाइल खंगाला उसमें जो साक्ष्य मिले हैं उसके बाद जो आदेश निकला है उसके बाद से ही लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिर और कितने कॉन्स्टेबल या और कई लोग कितने मिले हुए हैं। जो पुलिस मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुए हैं उसमें तत्कालीन बायतू वृत्ताधिकारी श्री जग्गू राम जी को निलंबित किया गया है, जिनके विरुद्ध गंभीर आरोपों में एक विभागीय जांच लंबित होना बताया है और जो विभागीय जांच है वो जांच अधिकारी प्रतापगढ़ जिले से हैं। इस संबंध में एक कांस्टेबल जो बायतू थाना में पदस्थापित थे नैनू राम, उसको भी निलंबित किया गया। क्या बात प्रथम दृष्टया सामने आई, सरदार तस्करों के साथ लिप्तता पाई गई, इस बारे में कोई बात सामने आई? आदेश के अनुसार प्रथम दृष्टया अपराधियों जो तस्करी में लिप्त हैं उनके साथ साठगांठ के संबंध में जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। सर, क्या आप भी अब इस बात को लेकर गंभीर रूप से देखेंगे, क्योंकि अगर अपराधियों के साथ तस्करों के साथ साठगांठ कोई पुलिसकर्मी करता है तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई में पुलिस को दिक्कत हो सकती है, तो इस बात को लेकर भी आप निर्देश देंगे अगर ऐसा कोई लिप्त पाया जाता है तो मतलब आपकी ओर से भी कोई बाढ़ में पुलिस को? बिल्कुल, जैसे कि पुलिस मुख्यालय का सरकार का मंशा एकदम साफ है, सिद्ध है कि किसी भी प्रकार से पुलिस के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की अपराधियों के साथ साठगांठ, जिस कारण से पुलिस की कार्यप्रणाली पे विपरीत असर पड़ता है, पुलिस की साख पे विपरीत असर पड़ता है, उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखी जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, बात ये सामने आ रही है कि बायतू SHO ओम प्रकाश और बायतू DYSP के बीच में कुछ अनबन होली को लेकर होती है, इस बात को सामने, क्या ये इस बात भी इस आदेश से जोड़ी जा रही है? ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में। सर, ऑपरेशन